गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रेरणा पल्लवी। मैं आप लोगों को आज साइंस बताऊंगी। ये स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए है। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर शुरू किया था लुकिंग अराउंड, और कुछ डिफिनेशंस बताए थे आप लोगों को। 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दी थी। तो आप लोग में से कुछ किए होंगे और कुछ नहीं भी किए होंगे, इसके लिए मैं आज आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 5 नेचुरल थिंग्स एंड 5 मैन मेड थिंग्स, मीन्स 5 नेचुरल थिंग्स और 5 मैन मेड थिंग्स के नाम लिखने हैं। इसमें मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेचुरल थिंग्स में द सन, द मून, रॉक्स, वुड एंड वाटर। 5 नेचुरल थिंग्स के नाम मैं यहाँ पे लिखी हूँ। सन मीन्स सूर्य, आप लोग सबका मीनिंग, हिंदी मीनिंग जानते ही होंगे। मून मीन्स चांद, चंद्रमा। रॉक्स मीन्स होता है पत्थर, चट्टान। वुड मीन्स लकड़ी, वाटर मीन्स जल। तो ये सभी नेचुरल थिंग्स हैं, प्रकृति के द्वारा दी हुई, प्रकृति प्रदत्त जिसको बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। अब है मैन मेड थिंग्स जिनको हम ह्यूमन बींग्स खुद से बनाते हैं, वैसी चीजें। इनमें आएंगी बुक्स, ट्रेन, हाउस, क्लॉथ्स एंड पेंसिल। बुक मीन्स किताब होता है हिंदी मीनिंग, लेकिन आप लोग ज्यादा बुक वर्ड ही यूज करते हैं। ट्रेन, हाउस, घर, आप लोग जिसमें रहते हैं। क्लॉथ मीन्स कपड़े, पेंसिल मीन्स पेंसिल जिसे आप लोग लिखते हैं। तो ये सभी मैन मेड थिंग्स हैं। इसके बाद मैं इसको इरेज करूंगी और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन बता रही हूँ, आप लोग इसको लिखिए कॉपी पर और इसको रिवाइज करते रहिएगा। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन लिखी हूँ और क्वेश्चन पढ़ के मैं आप लोगों को सबका आंसर बता रही हूँ। ए है ऑल एनिमल्स एंड डैश दिया हुआ आर लिविंग थिंग्स। हम लोगों को इसमें से चूज करना है कि इस डैश में क्या फील होगा, प्लांट्स या स्टार्स। तो ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, इसमें हम लोग प्लांट्स यहाँ पे फील करेंगे, ऐसे लिखेंगे प्लांट्स। बी है ऑल लिविंग थिंग्स आर डैश, ऑल लिविंग थिंग्स आर डैश मीन्स और लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल थिंग्स या मैन मेड थिंग्स। इसका आंसर होगा नेचुरल, ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं सभी नेचुरल हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई हैं। सी है लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फूड या क्लॉथ्स। आप सभी को पता है लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत होती है, फूड मीन्स भोजन। इसमें हम लोग फिल करेंगे फूड। डी है बर्ड्स आर डैश थिंग्स,
नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो बर्ड्स हैं, बर्ड्स मूव करती हैं, ब्रीद करती हैं, इनमें लाइफ होता है, तो इसलिए ये क्या होंगी, लिविंग थिंग्स। इसमें हम लोग यहाँ पे फील करेंगे लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन सेकेंड में चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों मैं आप लोगों को अभी पढ़कर बताई हूँ, इसको आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए और याद कीजिए, इसको इरेज करके मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए हमें बॉक्स में टी भरना है और फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए इस बॉक्स में एफ लिखना है। सन इज अ लिविंग थिंग, सूर्य एक लिविंग थिंग है, ये फॉल्स है या ट्रू है, तो ये होगा इसका आंसर होगा। नेचुरल थिंग, सन क्या है, नेचुरल, प्रकृति के द्वारा सन दिया हुआ है। सन इज अ लिविंग थिंग, लिविंग मीन्स सजीव, सजीव वस्तु, तो सन इज अ लिविंग थिंग, इसका आंसर होगा फॉल्स। बी है, ट्रीज आर नेचुरल थिंग्स, ट्रीज जो है नेचुरल थिंग्स है, इसका आंसर ट्रू होगा। लिविंग थिंग्स कैनॉट मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स खुद से मूव कर सकती हैं या नहीं, यहां लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स कैनॉट मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं कर सकती हैं, तो ये गलत है लिखा हुआ, लिविंग थिंग्स खुद से मूव कर सकती हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। यहाँ हम लोग लिखेंगे एफ। डी है, नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट ब्रीद, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं, तो ये ट्रू है, यहाँ हम लोग लिखेंगे टी। अब मैं इसको इरेज करूंगी, दो और क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी। क्वेश्चन फोर है, राइट द नेम्स ऑफ फोर नॉन लिविंग थिंग्स इन योर क्लासरूम। फोर नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके क्लासरूम में है उनका नाम लिखना है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, फर्स्ट है बेंच, सेकेंड डेस्क, थर्ड बोर्ड एंड फोर्थ डस्टर। क्लासरूम में जिसपे आप बैठते हो, फर्स्ट में बेंच जिसपे बैठा जाता है, सेकेंड डेस्क जिसपे आपका बैग रखा होता है, थर्ड बोर्ड जिस पर मैं अभी लिख रही हूँ, एंड फोर्थ डस्टर जिससे बोर्ड को इरेज किया जाता है। तो ये सभी चीजें जो आपके क्लासरूम में हैं, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर दूसरी वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स, हैव ए गुड डे।